अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हैं तो आपकी कमज़ोर मुर्गों वाली प्रॉब्लम के 100% सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिल सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि असील मुर्गा की या फिर किसी भी मुर्गे की आप डिवर्मिंग करना चाहते हैं और उसको डिवर्मिंग करने के बाद कौन सी खुराक देंगे आप, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखा देंगे, आपके मुर्गे डबल हो जाएंगे 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें, इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपके लिए, आपके तजुर्बे में बहुत ही इजाफा होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के साथ इस तरह होता है कि अपने बर्ड्स को बहुत सारी खुराकें देते हैं, अजीब अजीब से उसको टोटके खिलाते हैं, इसके बावजूद भी उनके बर्ड्स की सेहत नहीं बन रही होती, मज़ीद वो कमज़ोर होते जा रहे होते हैं। तो उसकी वजह, मेन वजह उसकी ये होती है कि उसकी डिवर्मिंग नहीं हुई होती, और अगर डिवर्मिंग नहीं हुई तो फिर उसकी परों के नीचे चीचड़ होते हैं, तो कीड़े जिसको भी कहा जाता है, तो इस तरह के जो कीड़े मकोड़े होते हैं बर्ड्स को बढ़ने नहीं देते, उसको कमज़ोर किए जा रहे होते हैं, तो उनका इलाज किस तरह से करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने मुर्गे को पकड़ लेना है, पकड़ के उसके परों को उठा के चेक करना है कि उसके परों के नीचे कीड़े वगैरह तो नहीं है, चीचड़ जिसको कहा जाता है वो तो नहीं है। अगर वो हैं तो आपने कोपेक्स पाउडर का यूज़ करना है, कोपेक्स पाउडर, टाइगर पाउडर भी होता है और एक कोपेक्स पाउडर होता है, इस पाउडर का यूज़ करना है। ज़्यादा रिकमेंडेड जो है कोपेक्स पाउडर है, उसको यूज़ करें, आपके बर्ड्स के जो परों के नीचे चीचड़ होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी मुर्गे की सेहत पर बड़ा ही असर पड़ता है और कुछ दिनों के बाद मुर्गा मर भी जाता है अगर ये कीड़े ना मरें तो। आपने इन कीड़ों का, इन चीचड़ों का लाजमी से उपाय करना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जी आपने डिवर्मिंग किस तरह से करनी है, अपने मुर्गे को अंदर से साफ़ किस तरह से करना है, बाहर से तो आपने साफ़ कर लिया, कोपेक्स पाउडर यूज़ कर लिया, ठीक है, अंदर से आपने किस तरह से मुर्गे को साफ़ करना है, उसके लिए आपने पुराना गुड़ ले लेना है, कहीं से भी पुराना गुड़ या फिर काला गुड़ भी जिसको कहा जाता है, अगर वो पड़ा रहे ना काफ़ी अर्सा तो फिर वो कलर चेंज करके काला बन जाता है। ठीक है, वो काला गुड़ ले लेना है आपने। काला गुड़ लेने के बाद आपने आधा ढेला ले लेना है, आधा ढेला, एक पूरा ढेला होता है ना जितना गुड़ का साइज़ होता है नॉर्मली, आपने आधा ढेला ले लेना है, आधा ढेला आपने थोड़ा सा बारीक कर लेना है, बारीक करके अपने मुर्गे के अंदर डाल देना है। ठीक है, उसको खिला देना है। ठीक है जी, आपने गुड़ खिला दिया, अब आधा घंटा आपने वेट करना है, आधे घंटे के बाद आपने लेनी है एक जेंटल गोली। जेंटल गोली जब आप मुर्गे को खिलाएंगे ना तो उसके अंदर का निज़ाम इस तरह से चलेगा कि जब आप पहले गुड़ खिला चुके हैं ना तो सारे कीड़े मकोड़े जो मीठे को देख के मीठे की तरफ भागेंगे, मतलब कि वो गुड़ की तरफ आएंगे, तो ऊपर से आपने जेंटल गोली खिला देनी है, तो वो जेंटल गोली इतना असर करेगी कि आपकी सोच है। तो जैसे ही आप जेंटल गोली खिलाएंगे तो वो अंदर उसका सारे का सारा साफ़ हो जाएगा एंड लिशक जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि सारा दिन आपने कुछ भी मुर्गे को खुराक नहीं देनी, जस्ट आपने ताज़ा पानी मुर्गे के आगे रखना है। अगर ज़्यादा ताज़ा पानी नहीं पी रहा तो आपने इस तरह से करना है कि थोड़ी देर धूप में खड़े कर देना है, धूप में खड़ा करेंगे मुर्गे को ज़्यादा प्यास लगेगी तो वो पानी ज़्यादा पिएगा, जितना पानी पिए जितना पानी पिए उसको पीने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा, जितना ज़्यादा पानी पिएगा उसकी सफाई अंदर से होती जाएगी, जैसे वो पानी पीता जाएगा उसके अंदर से सारे कीड़े मकोड़े जो भी सारा कुछ गंदबला होगी निकल जाएगी। तो इस तरह से एक दिन करने से भी आपका मुर्गा अंदर से साफ़ हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपके बर्ड्स ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, आपको लग रहा है कि उसकी सफाई अच्छे तरीके से नहीं हुई, तो आप दूसरे दिन भी ये अमल कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन भी ये अमल करने के बाद आपके मुर्गे की 100% सफाई हो जाएगी। वैसे तो पहले दिन ही जो आपने की है और 95% तो पहले दिन ही होगी, अगर 5% रह गया तो आप अगले दिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप सारा दिन जिस दिन ये अमल करें उस दिन सारा दिन आपने खुराक नहीं देनी अपने बर्ड्स को, अगले दिन जब करेंगे उससे पहले पहले आपने मुर्गे को जो थोड़ी बहुत खुराक दे के उसके बाद आपने गुड़ खिलाना है, फिर जेंटल गोली खिला उसको सारा दिन पानी पिलाना है, तो ये अमल फिर बाद में करना है अगले दिन। अगर जब आपने पहले दिन करना है, पहले दिन आपने उसको कुछ भी खिलाने से पहले करना है। ठीक है, निर्णय पेट करना है, उसको कुछ भी खुराक नहीं देनी, आपने गुड़ देना है जस्ट, उसके अगले दिन आपने पहले थोड़ी खुराक दे देनी क्योंकि वो एक दिन पहले भी भूखा रह चुका है। अच्छा जी, ये काम कर लिया, उसके बाद आपने तीसरे दिन इसको लिंकोसिन चाइना का इंजेक्शन लगा देना है, उसके सीने की गोश्त में लगाना है। ठीक है, लिंकोसिन चाइना का इंजेक्शन ये लगाने के बाद आप अपने मुर्गे को कोई भी खुराक दें उसको 100% लगेगी। ठीक है, अब खुराक क्या देनी है, 15 दिन में मुर्गे को मोटा करने का हमने इस वीडियो में कहा है कि 15 दिन में आप मुर्गे को डबल किस तरह से कर सकते हैं,
तो ये सब कुछ करके, इस तरह की डिवर्मिंग करके आपने अपने मुर्गे को खुराक ये देनी है कि आपने ले लेनी है चने की दाल। चने की दाल लेने के बाद आप उसको रात को भिगो दें दूध में, पानी में नहीं भिगोना, दूध में भिगो दें। तो जैसे ही आप सुबह को उठेंगे तो फूल चुकी होगी, उसमें दूध रच चुका होगा, तो आप ये खुराक 2 हफ्ते अपने मुर्गे को यूज़ करवाएं और किसी खुराक की तरफ ना जाएं, यही खुराक यूज़ करवाएं। इसके बाद आपको रिज़ल्ट अगर ना मिला तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि भाई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला, अगर मिला तो भी आपने बताना है कि भाई वीडियो बहुत अच्छी है। तो इस तरह की खुराक पर अगर आप यूज़ करते हैं अपने बर्ड्स को मोटा और ताज़ा एंड बड़ा करने के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छी खुराक बताइए, तो आपको बहुत ही अच्छी खुराक बताइए, इसको आप यूज़ लाजमी करें। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।